तो यार शोमी लेके आ गया है अपना ब्रांड न्यू पावरफुल फ्लैगशिप स्मार्टफोन मी 8 प्रो को, जो आज फाइनली शोमी ने लॉन्च कर दिया है यूके के अंदर। तो आइए देखते हैं कैसा है ये फ़ोन, क्या है इसके स्पेसिफिकेशंस, क्या है इसमें खास फीचर्स और क्या है इसका प्राइस। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मैं आज आपसे बात करूँगा मी 8 प्रो के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल बिंग एसके को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार दिल से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो छोटा वाला नोटिफिकेशन बेल है उसको भी लाजमी से ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाला लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम नज़र डालेंगे फ़ोन की लुक्स और डिज़ाइन के ऊपर। दोस्तों फ़ोन का जो लुक्स और डिज़ाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएगा मी 8 का जो एक्सप्लोर एडिशन है उसकी तरह देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपको एक ट्रांसपेरेंट एडिशन देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्ले से। तो दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको मिलता है 6.21 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड स्क्रीन, साथ में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, और इसमें दिया गया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको रियर में भी ग्लास फिनिश देखने को मिल जाता है, जिसमें भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। साथ में आपको फ्रंट में भी आपको डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो मिल ही जाएगा, साथ में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का भी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो आ बात है इसकी स्टोरेज पे। तो दोस्तों ये फ़ोन आपको दो वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा, जो कि 6GB रैम के साथ 128GB और 64GB। इसमें आपको मेमोरी कार्ड लगाने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो है जितना है बस वही है। दोनों ही सपोर्ट करता है नैनो सिम को, और डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट भी है। तो आ बात है इसकी प्रोसेसर के ऊपर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 845 वाला चिपसेट, जो कि एक ऑक्टाकोर सीपीयू है, और साथ में आपको ग्राफिक्स के लिए एड्रीनो 630 का जीपीयू देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं इसकी बैटरी के अंदर। तो दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको मिलता है 3000 mAh की बड़ी बैटरी, हालांकि इतना बड़ा भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक ही है, चली जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर आपको मिलेगा क्विक चार्ज 4+ का सपोर्ट, और साथ में OS की बात करें तो इसमें आपको MIUI 10 देखने को मिल जाएगा, जो आएगा एंड्रॉयड पाई के साथ। तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमको प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा MIUI 10 और साथ में एंड्रॉयड पाई भी। तो दोस्तों इसका इस फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको एड्रीनो का 630 वाला GPU मिलता है, और साथ में आपको 845 वाला चिपसेट मिलता है, साथ में आपको एंड्रॉयड पाई भी मिलता है, और MIUI 10 भी देखने को मिल जाता है। तो अब आते हैं इसकी कैमरे के ऊपर। तो दोस्तों इस फ़ोन के अंदर को डुअल रियर कैमरे का सेंसर देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 12+12 MP का डुअल रियर कैमरे का सेटअप दिया गया है। जो प्राइमरी कैमरा है उसका अपर्चर f1.8 है, और जो सेकेंडरी कैमरा है उसका अपर्चर f2.0 है। साथ में आपको जो पिक्सल साइज है वो है 1.4 micron। तो नाइट फोटोग्राफी में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसका जो फोटो पिक्सल साइज है वो है 1.4 micron, और साथ में आपको मिलता है f1.8 अपर्चर। तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि नाइट फोटोग्राफी में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सेल्फी कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 20 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है f2.0 अपर्चर के साथ, जो कि एक AI बेस्ड कैमरा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको दोनों ही रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे में आपको AI देखने को मिल जाएगा, साथ में तरह तरह का मोड्स और फीचर्स तो शामिल होगा ही। तो अब आते हैं इसकी हाइलाइटिंग फीचर्स के ऊपर। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, साथ में आपको मिलता है हार्डवेयर बेस्ड 3D फेशियल फेस अनलॉक। जी हाँ दोस्तों, 3D फेशियल फेस अनलॉक आपको ऑलमोस्ट जो iPhone 10 में आपको देखने को मिला था, ठीक उसी तरह इस मी 8 प्रो के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी बात है, और सारे सेंसर्स जैसे कि जायरोस्कोप, प्रोक्सीमेटरी, NFC, इन सारे सेंसर्स भी आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आप आते हैं इसकी प्राइसिंग के ऊपर। तो दोस्तों प्राइसिंग अभी तक अनवील नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसका जो प्राइस है बताया जा रहा है कि करीब 35 से लेकर 38 के आसपास होने वाला है। तो काफ़ी अच्छी बात है, जब ये फ़ोन इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा ऐसे बताया जा रहा है। तो Xiaomi से रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो इंडियन फैंस है Xiaomi के, वो काफ़ी एक्साइटेड है Redmi के 6 Pro को लेकर और Mi 8 Pro को भी लेकर। तो दोस्तों Xiaomi से रिक्वेस्ट ये है कि बहुत ही जल्द दोनों ही फ़ोन को भाई लॉन्च कर दीजिए, काफ़ी एक्साइटेड है हम। तो दोस्तों बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और अगर कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल बिंग एसके को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लेके आता ही रहता हूँ। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।